noodle today. So, sorry for the short delay. Okay, so you have already started with the revision of general pharmacology, and I'm sure you've had one lecture with Dr. Najma as well regarding pharmacodynamics, isn't it? Is it true? All right, so today is the last lecture regarding जनरल फार्माकोलॉजी रिविजन, ठीक है? और रिविजन का मतलब यही है कि अज्यूमिंग यू पीपल ऑलरेडी नो द सब्जेक्ट, वील जस्ट बी हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके प्रॉफ के रेफरेंस से इम्पॉर्टेंट है. एज पर एज आई एम कंसर्न, तो मेरा तो ये ख्याल था कि हम कम्प्लीटली एक दफ़ा प्रॉपरली जनरल फार्मा दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी जनरल फार्मा काफ़ी वीक है. बट देन एज द डिपार्टमेंट डिसाइडेड, तो वी अग्रीड अपॉन जस्ट अ ब्रीफ रिविजन अबाउट इट. ऑल राइट, तो आपने जनरल डायनेमिक, तो इसमें इसका मतलब ये है कि सारी बातें आपने करनी है, मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है? जनरली फार्माकोडायनामिक्स में आपको डॉक्टर नजमा ने आई होप बताया होगा थोड़ा सा क्विकली, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरी, मुझसे कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है? फार्माकोडायनामिक्स की अपनी डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन आप लोग बहुत मिस्टेक्स करते हो इसके अंदर, क्योंकि जनरली अभी तक आप लोगों को डायनामिक्स और काइनेटिक्स का फर्क ही पता नहीं चलता. ट्राई टू मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोडायनामिक्स. उसका हिंट क्या है? उसके नाम में है, डायनेमिक मतलब एक्शन. तो इसलिए प्लीज डायनेमिक्स के अंदर वो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बायोअवेलेबिलिटी वाली डेफिनेशन मत सुनाया करें. एंड यू वॉन्ट बिलीव कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉफ में आकर भी डायनेमिक्स की डेफिनेशन ही गलत सुनाना शुरू कर देते हैं बिल्कुल बिगनिंग से. ऑल राइट, एंड देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. अब फार्माकोडायनामिक्स के अलावा, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है आपकी जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में, कि आपका वाइवा यूजुअली हमेशा जनरल फार्मा से स्टार्ट होता है. जनरल फार्मा में हर बुक के जो चैप्टर है उसकी एग्जाम्पल मौजूद है. अब आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बायो अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन कर लिया आपने, उसकी एग्जाम्पल दी, उसमें आपने बाय चांस या तो कोई ड्रग का नाम ले लिया या किसी प्रोसेस का नाम ले लिया, और फिर वहां से चेन रिएक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है वो शुरू हो जाता है. दिस इज द रीजन वी यूजुअली से कि आप अपने वाइवा को खुद डायरेक्ट करते हो कि आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं उसको, ठीक है? तो इसलिए वो सारी बातें आपको जनरली पता होनी चाहिए. ओके, सो हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन एगनिस्ट? प्लीज डिफाइन एगनिस्ट. We are already 8 minutes down the lecture and I can see no response, which means that you people are not listening either. Okay, a moiety with intrinsic and submaximal activity is a ligand which has affinity as well as intrinsic activity, a ligand capable of. Okay, now stop right here. अब ये जो आपने चार आंसर्स दिए हैं, अपनी अपनी जगह हर बच्चा अपने आप को करेक्ट कह रहा है, बट सिर्फ दो आंसर्स करेक्ट हैं. A ligand which has affinity as well as intrinsic activity. फरियाल ने भी इसी को थोड़ा समराइज करके लिखा हुआ है. नहीं बेटा, ये आंसर, ये डेफिनेशन जो आपकी कैडजन रिव्यू दे रही है, ये आपने नहीं देनी. सारा साल मैं बहुत दफ़ा ये बात रिपीट कर चुकी हूँ, एंड आई एम श्योर मैडम ने भी रिपीट की होगी. आज फिर दोबारा ये क्वेश्चन पूछने का पर्पज यही था. प्लीज डू नॉट गिव दिस फुलिश डेफिनेशन जिसमें वो कह रहे हैं ना, अ ड्रग विच बाइंड्स टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस इफेक्ट. ये आपकी कैडजन रिव्यू का सेंटेंस है. दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल बाय एनी एंड ऑल एग्जामिनर्स अक्रॉस पंजाब. कोई भी टीचर आपकी ये डेफिनेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? आपने हमेशा बात करनी है अ ड्रग और अ लाइगेंड विच हैज एफिनिटी एज वेल एज इंट्रिंसिक एक्टिविटी. यहाँ पर किसी बच्चे ने सब मैक्सिमल एक्टिविटी लिखा था, बेटा उस वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है. सब मैक्सिमल का वर्ड बोलोगी तो वो आपको पार्शल एगेनिस्ट में ले जाएंगे, और उसके बाद फिर वो उसकी डिटेल्स में आगे पार्शल एगेनिस्ट की एग्जाम्पल मांगेंगे, और फिर आपका वाइवा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. अगर थ्योरी के पेपर में ऐसी डेफिनेशन दोगी तो फिर सिंपली कोई स्कोर आपको नहीं मिलेगा. सिमिलरली आपसे पूछा जाएगी, अगली डेफिनेशन हो गई एंटेगनिस्ट की. व्हाट इज एन एंटेगनिस्ट? यस, द ड्रग और अ लाइगेंड व्हिच हैज एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी. यहां पर आपने नो जो है उसको हाईलाइट कर देना है, क्योंकि नो में सारा आंसर छुपा हुआ है, ठीक है? अब बच्चे क्या करते हैं कि वो कहते हैं प्रोड्यूसेस ऑपोजिट इफेक्ट विच ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ द एगनिस्ट. इस तरह की सारी डेफिनेशंस जो हैं वो रादर कंफ्यूजिंग होती हैं, तो आपकी वो डेफिनेशंस एक्सेप्ट नहीं होंगी.
और उसके बाद एंटागनिस्ट की, ये तो है आपका इजी पेपर जहां आपसे सिंपली उन्होंने डेफिनेशंस मांग ली। अगर आपसे कहे कोई डिफाइन द फिनोमेना ऑफ एंटागनिज्म, दिस इज हाउ वोकैबुलरी चेंजेस इन योर क्वेश्चन पेपर, और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो चेंज होना चाहिए। मैं बाकी आपको ये मैडम ने ये चीजें डिस्कस कर ली है सारी आपसे, पार्शियल एगनिस्ट एंड ऑल इन द प्रीवियस लेक्चर, या सिर्फ रिसेप्टर क्लासिफिकेशन पे बात हुई है। रेगुलर स्टूडेंट्स प्लीज आंसर। ओके, सब बातें डिस्कस हो गई, आई एम अमेज्ड कि अभी भी गलत आंसर्स आ रहे हैं बीच में। जी एंटागनिज्म, वेरी गुड, ये बिल्कुल आपने अप्रोप्रिएट और बिल्कुल समराइज किस्म की डेफिनेशन दी है। उसके बाद फिर आ जाएंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटागनिज्म, बहुत दफा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कौन सी बेसिक टाइप्स हैं एंटागनिज्म की विद एग्जांपल्स। अगर सीक्वेंस में याद रखोगे तो आपकी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी, बट यू कैन आंसर आइदर वे। एग्जांपल्स ऑफ ड्रग एंटागनिज्म, पहले टाइप्स बताओगे, एग्जांपल्स हम बाद में बात करेंगे। फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल। अगर आप सीक्वेंस में करोगे तो पहले आप करोगे केमिकल, फिर फिजियोलॉजिकल और फिर फार्माकोलॉजिकल, और फार्माकोलॉजिकल की आगे आपने सब टाइप्स ही बतानी है, कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव ये बताना जरूरी है। न्यूट्रल एंटागनिज्म कौन सा है? हाँ जी, आई गेस आप फिजिकल वाला जो एक कुछ बुक्स रेफर कर रहे हैं, न्यू टाइप ऑफ एंटागनिज्म जिसमें चारकोल वाले रिएक्शंस की बात होती है, आई गेस आप उसको न्यूट्रल एंटागनिज्म की बात कर रहे हो, लेकिन ट्राई टू अवॉइड सच वर्ड्स इन योर आंसर जो आपके आंसर को कॉम्प्लिकेट करें, ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल। केमिकल, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल के आगे दो सब टाइप्स, कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव, या उससे भी ईजी तरीका है आपके लिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, ये वाला डेफिनेशन कर दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन फिर हमारी बात हो जाती है कि हम जब डोज और रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं तो उससे हमें क्या पैरामीटर्स डिराइव होते हैं और कितनी टाइप्स के हमारे कर्व्स बनते हैं। तो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व्स विच आर, ट्राई टू नेम देम, एगनिस्ट आया, एगनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड किया, उसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू किया। आप डॉक्टर हैं, आपने उस डोज और उसके उस ड्रग और उसके रिस्पॉन्स को मेजर करना है। उस ड्रग और उसके रिस्पॉन्स को मेजर करने के टू बेसिक मेथड्स हैं। ओके, डोज रिस्पॉन्स कर्व्स तो है ना बेटा, कौन सी टाइप ऑफ डोज रिस्पॉन्स कर्व? नेम ग्रेडेड एंड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व में क्या होता है? ठीक है, ग्रेडेड एंड क्वांटल, फाइन। ग्रेडेड में आगे क्या हो रहा है? मोर ऑफन देन इनफ यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड टू डिफाइन ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये आपके एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा जनरल फार्मा में जो आते हैं उसमें भी ये चीजें आ जाती हैं, और एससीक्यू में या तो आपको आ जाएगा डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेडेड एंड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व, या कंपेयर एंड कंट्रास्ट ग्रेडेड एंड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व, या फिर किसी भी दोनों में से एक कर्व को वो कहेंगे डिफाइन, और आगे उसमें से क्या फीचर्स हैं उसके वो आप एक्सप्लेन कर दोगे। तो अगर आपको कहा जाए कि डिफाइन ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व, तो यू आर गोइंग टू से दैट दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डोज ऑफ ड्रग एंड इट्स रिस्पॉन्स। ठीक है, फाइन, ऑल द थ्री डेफिनेशंस आर रिलेटिवली करेक्ट। थोड़ा सा गलती उसमें ये हो जाती है कि आप अगर पहले डोज का वर्ड यूज करो और बाद में रिस्पॉन्स का करो तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्स एक्सिस को हम हमेशा पहले डिपिक्ट करते हैं, वाई एक्सिस को बाद में। तो आपकी डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाएगा, आपको आइडिया होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज आती है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीज आती है। तो वेन द रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम इज मेजर्ड अगेंस्ट इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग, द ग्राफ ऑफ द रिस्पॉन्स वर्सेज ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। और उसके साथ ही सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन होता है, वॉट इन्फॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व, जिसका आंसर ऑलरेडी सादिया ने दे दिया है, पोटेंसी एंड एफिकेसी।
अब जो आपसे मैंने पहले एगनिस्ट डिफाइन करवाया था वो इसलिए करवाया था कि प्रीवियसली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एगनिस्ट या एंटागनिस्ट की डेफिनेशन के अंदर एफिकेसी का वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपने एफिकेसी का वर्ड यूज नहीं करना, ये सारी कंफ्यूजन जो है कैडजन रिव्यू ने क्रिएट की हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप जनरल फार्मा पढ़ रहे हो तो कैडजन रिव्यू इज अ गुड बुक ओवरऑल, बट आपने उसमें जो चीजें कंफ्यूज कर रही हैं या जो आंसर्स इनकरेक्ट हैं वो आपने टीचर्स के लेक्चर्स के साथ रिलेट करके करेक्ट करने होते हैं। एगनिस्ट एंटागनिस्ट में एफिकेसी का कोई जिक्र आपने नहीं करना, वहां पे जो वर्ड आपने यूज करना है वो अफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। एफिनिटी के बाद एफिकेसी का वर्ड यूज करते हो तो सारा क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में भी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा और आपके टीचर के सामने भी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। एफिकेसी का वर्ड हम जो है वो एफिकेसी खाली बोल रहे होते हैं, बट एक्चुअली वी मीन इज मैक्सिमल एफिकेसी या मैक्सिमल एफिकेसी जिसको कहते हैं कुछ लोग। तो बेसिकली ये वो दो इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको इस ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व से मिलती है। नाउ अलोंग द एक्स एक्सिस हम डोज इंक्रीज कर रहे हैं और हम क्या देखते हैं कि लीनियर मैनर में जैसे जैसे हम डोज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ही ड्रग का रिस्पॉन्स इंक्रीज होता जाता है। एंड देन कम्स अ टाइम वेयर फर्दर इंक्रीज इन डोज does not result in any increase in the response. उस point को हम कहते हैं maximal efficacy point. और इसके लिए एक इस पूरे phenomena के लिए जो दूसरा word use होता है वो आप में से कोई मुझे बताएगा। ये top of the graph पे जहाँ Emax लिखा हुआ है जिसको मैंने phrase ऐसे किया है कि जिस level पे when further increase in dose does not result in any increase in response, इस phenomena को हम क्या कहते हैं? Come on, rub your brains. Saturation तो ठीक है बेटा, लेकिन maximal efficacy fine. That is one word for it. What is the second word? क्योंकि paper में दोनों words पूछे जा सकते हैं. And I taught that to you when we discussed dose response curves in actual classroom. Assuming you people have your books in your hands, तो इस वक्त आपकी book पे वो चीज लिखी भी होनी चाहिए थी. जी बेटा, कौन सा effect? तो मैंने हिंट भी दे दी है। विच इफेक्ट? कम ऑन, आउट ऑफ 135 पार्टिसिपेंट्स नॉट इवन वन ऑफ यू रिमेंबर। सीलिंग इफेक्ट, राइट? सीलिंग इफेक्ट। सो फाइनली आई हैव एन आंसर। यू आर करेक्ट नीला, अज्यूमिंग कि यू टाइप दैट डाउन बिफोर आई टोल्ड यू। सीलिंग इफेक्ट होता है बेटा व्हेन फर्दर इंक्रीज इन डोज डज नॉट रिजल्ट इन एनी इंक्रीज इन रिस्पॉन्स। और अगर हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही होती तो हम आजकल प्रैक्टिकल कर रहे होते रैबिट आइलियम के ऊपर। आपके भी रैबिट आइलियम के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए थे ना? रैबिट आइलियम में हम बेसिकली इसी सारे डोज रिस्पॉन्स कर्व के फिनोमेना को ही स्टडी करते हैं और यही कर्व जो है ड्रॉ करके प्रैक्टिकल कॉपी में लगाए भी जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने डोज रिस्पॉन्स और ये जो मिडिल वाला पोर्शन था दिस पॉइंट, यहां से हम पता चलाते हैं पोटेंसी का। पोटेंसी को आपकी कैडजन रिव्यू डिफाइन कर रही है कैसे? द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी डिजायर्ड रिस्पॉन्स। अगर आप ये डेफिनेशन दोगे तो ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप इसको मॉडिफाई करोगे तो उसके लिए हम कहेंगे द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द मैक्सिमल इफेक्ट इज कॉल्ड पोटेंसी। अगर तो आपसे सिंपली पोटेंसी की डेफिनेशन मांगी गई है विद द वर्ड पोटेंसी, तो आप कहोगे द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी डिजायर्ड इफेक्ट, विच इज फाइन। हर ड्रग में आप कौन सा इफेक्ट देख रहे हो और उसके लिए कितनी डोज रिक्वायर्ड है वहां से उस ड्रग की पोटेंसी कंपेयर होती है और हम उसको स्पेसिफाई। लेकिन अगर पोटेंसी को वो EC50 से डिपिक्ट करते हैं, ये वर्ड जो EC50 लिखा हुआ है, देन फिर आपने स्पेसिफिकली ये वाली डेफिनेशन सुनानी है। द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% of the maximal effect is called EC50 or is called potency. कुछ बच्चे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो जो any desired effect वाली definition है उसी के आगे bracket में लिख देते हैं usually taken at 50% of maximal effect. देखो जब हमने दो drugs को compare करना है उस वक्त हमें potency की जरूरत पड़ती है और naturally हमें कोई point select करना पड़ेगा कि हमें ये वाला इफेक्ट लेवल है जिसको हमने चेक करना है कि ये दो ड्रग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं इनमें से कौन सी ड्रग है जो इस पॉइंट पे किस डोज पे रीच करती है, कौन सी ड्रग है जो कम डोज के साथ इस पॉइंट को अचीव करती है। जिस ड्रग की जितनी पोटेंसी के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है जो आपकी EC50 कम हो रही होगी हम कहेंगे कि वो ड्रग ज्यादा पोटेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमने EC50 और पोटेंसी के जो डिपिक्शन है उसको क्लियर रखना है अपने माइंड के अंदर।
कि ये एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करती है पोटेंसी के साथ. लेसर द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ मैक्सिमल इफेक्ट, हम कहेंगे मोर पोटेंट इज योर ड्रग. इज दैट क्लियर? पोटेंसी और मैक्सिमल एफिकेसी आपसे एवरी अदर स्टूडेंट हैज टू आंसर दैट क्वेश्चन. या तो आपके एमसीक्यूज में आ जाएगा, एससीक्यू की डेफिनेशन में आ जाएगा विद एग्जांपल्स, या फिर आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में, क्योंकि वी हैव जस्ट कपल ऑफ प्रैक्टिकल्स, हमारे पास दो ही प्रैक्टिकल होते हैं, रैबिटाइलियम होता है और इसके अलावा हमारे पास फ्रॉग रेक्टस या फ्रॉग हार्ट होता है. तो आपको, क्योंकि विंटर्स में जब एग्जाम होते हैं तो फ्रॉग के प्रैक्टिकल कम आते हैं, तो एवरी अदर डे आपको रैबिट आइलियम के ही ऊपर डिफरेंट प्रैक्टिकल्स आएंगे. तो उसमें क्या होता है कि जब वाइवा टेबल वाइवा होता है तो उसमें हर बच्चे से यही बात पूछी जाती है, पोटेंसी मैक्सिमल एफिकेसी या एफिकेसी या पोटेंसी. ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ में क्या क्या पॉइंट से क्या क्या चीज पता चलती है, ये सारी बातें आपको इस पिक्चर से पता चल जाएगी. इज दैट क्लियर? ओके. अब बिल्कुल इसी के ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और ड्रग इफेक्ट, जो आपका ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व है, इसके पैरेलल आपकी बुक्स में एक और कर्व एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि आपका रिसेप्टर कर्व होता है. ठीक है, रिसेप्टर कर्व पे अभी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी नहीं आता, ना ही उसका ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व से डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप है. ये इस पिक्चर में दिखाने का पर्पज ये है कि इस पे आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं. एमसीक्यूज में आपसे बी मैक्स पूछ ली जाती है, एमसीक्यू में आपसे के डी पूछ ली जाती है. अब इसमें देखो, आप ये दोनों पिक्चर्स पैरेलल जब मैंने रखी है, कि एक्स एक्सिस पे वही ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, वहां पर हम वाई एक्सिस पे इफेक्ट देख रहे थे, इस ग्राफ में हम वाई एक्सिस के ऊपर रिसेप्टर बाइंडिंग कैपेसिटी देख रहे हैं. ड्रग की वो कॉन्सेंट्रेशन जिसके बाद हमारी रिसेप्टर बाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी फर्दर डोज इंक्रीज करने से रिसेप्टर बाइंडिंग फर्दर इंक्रीज नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आपके सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो ड्रग से बाइंड हो चुके हैं, उस पॉइंट को, उस सीलिंग पॉइंट को हम कहेंगे यहां पर बी मैक्स. तो ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि बी मैक्स को भी जब आप जल्दी में पढ़ते हो पेपर में तो आप ई मैक्स के साथ कंफ्यूज कर जाते हो. जब बी मैक्स की बात हो रही है तो रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी का ग्राफ होगा, और जब ई मैक्स की बात हो रही है तो वो डोज रिस्पॉन्स कर्व की बात हो रही होगी. सिमिलरली EC50 जैसे आप डोज रिस्पॉन्स कर्व में देख रहे थे पोटेंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा था, यानी द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द मैक्सिमल इफेक्ट, उसको हमने कहा था EC50 है. उसके पैरेलल आपके रिसेप्टर रिस्पॉन्स कर्व के ऊपर केडी आ जाता है. केडी की डेफिनेशन आपसे टेस्ट में भी पूछी हुई है, एमसीक्यूज में, प्रॉफ में एमसीक्यूज में आती है ज्यादातर, लेकिन एवेसिना में हम टेस्ट में भी डाल देते हैं. सो केडी की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए. तो ये इसमें आ जाएगा द कंसंट्रेशन ऑफ, कैसे डिफाइन करोगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया डेफिनेशन, आप में से कोई दे, हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन केडी? जी बेटा, शो तो करती है लेकिन जब हमने डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे करेंगे? द कॉन्सेंट्रेशन एट विच 50% ऑफ रिसेप्टर्स आर बाउंड टू ड्रग, एब्सोल्यूटली करेक्ट. ठीक है, सो नाउ यू सी कि डेफिनेशन को हमेशा याद नहीं करना होता. The concentration or dose required to bind 50% of receptors, you are absolutely correct as well. Definition hamesha yaad nahi karni hoti bachcho, isi tarah aapne apni definitions generate karni hoti hain. Agar aapko topic ka concept acha hoga, to you will easily generate your own definitions. Keyword hona zaruri hai, baki ki baatein aapki English aapki apni hai. Ab aap dekho ki aapke chat box mein is waqt do definitions upar niche aa rahi hain, jiske andar keyword hai aapka 50% of receptors. बाकी उसने और तरफ फ्रेज किया है, नीचे वाले बच्चे ने और तरफ फ्रेज किया है, एंड बोथ डेफिनेशंस आर गोइंग टू गेट कंप्लीट क्रेडिट. दिस इज हाउ पेपर्स आर मार्क्ड इन योर प्रॉफ. ठीक है, केडी, फिर वही बात जो पहले एक बच्ची ने कही, दैट केडी इज अ यूजफुल मेजर ऑफ द एफिनिटी ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल फॉर इट्स बाइंडिंग साइट ऑन द रिसेप्टर. इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे EC50 से हमें पोटेंसी ऑफ ड्रग पता चलती है, सिमिलरली केडी से हमें पता चलता है कि ड्रग की रिसेप्टर्स के लिए कितनी ज्यादा अफिनिटी है. ये वही ग्राफ एग्जैक्टली दोबारा आ गया. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ आवर डोज रिस्पॉन्स कर्व. मैंने एंड में कुछ एमसीक्यूज भी रखे हैं डिस्कशन के लिए, इसलिए हम क्विकली इसको प्रोसीड कर रहे हैं. क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व. ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व में रिलेशनशिप था ड्रग की डोज और उसके रिस्पॉन्स के दरमियान.
कॉन्ट्रोल डोज रिस्पॉन्स कर्व में किसके दरमियान रिलेशनशिप है? जी स्लाइड्स आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ रही हैं, लेकिन स्टिल आई'd लाइक यू टू रीड देम और आंसर मी फ्रॉम योर ओन नॉलेज. एग्जैक्टली, यहाँ पे डोज और पॉपुलेशन के बारे में बात है. यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स को क्वांटिफाई नहीं किया. रिस्पॉन्स की क्वांटिफिकेशन जो है वो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व में हो रही थी. इसीलिए जब हम दोनों डोज रिस्पॉन्स कर्व्स को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, जहां पे रिस्पॉन्स एक्चुअली क्वांटिफाई हो रहा था. यहाँ पर हम डोज को तो क्वांटिफाई कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स में हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देख रहे हैं कि कितने इंडिविजुअल्स ने उसको रिस्पॉन्ड किया है. लेकिन देखो ये ग्राफ आ गया, यहाँ पर कहीं पे भी हमने रिस्पॉन्स को क्वांटिफाई नहीं किया. हमें ये नहीं पता कि उन इंडिविजुअल्स में कितना रिस्पॉन्स आया है. बस एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की बात हो रही है, हम कहेंगे कि रिस्पॉन्स आया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ड्रग दी है तो हमने ये नहीं देखना कि ब्लड प्रेशर कितना कम हुआ है. हमने सिंपली कहना है कि हमने 100 इंडिविजुअल्स को ड्रग दी, इस डोज पे इतने इंडिविजुअल्स का ब्लड प्रेशर कम हुआ, इस डोज पे इतने इंडिविजुअल्स का ब्लड प्रेशर कम हुआ, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अगर हम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप पढ़ रहे होते तो हम ड्रग की डोज देते और हम कहते हैं कि इस डोज पे ब्लड प्रेशर इतना कम हुआ था, इस डोज पे ब्लड प्रेशर इतना कम हुआ था, और फिर इस डोज पे ब्लड प्रेशर मैक्सिमली कम हो गया था. तो वहां पे हमने रिस्पॉन्स को क्वांटिफाई किया था. यहाँ पे हम सिर्फ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप देख रहे हैं, यानी हमें येस और नो रिएक्शन है, जिसको हम वर्ड्स में कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल. ईदर देर इज अ रिस्पॉन्स और देर इज नो रिस्पॉन्स. इसमें ये बात नहीं होती है डिटेल में एग्जैक्टली कि रिस्पॉन्स कितना है और कहाँ पे है. इज दैट क्लियर? एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इससे भी हमें पोटेंसी मिल जाती है. उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी जो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व में थी, लेकिन अभी हमें एक रफ सा आइडिया हो जाएगा कि ड्रग कितनी पोटेंट है. कैसे पता चलेगा? वो डोज जिसके ऊपर 50% पॉपुलेशन में इफेक्ट आ रहा होगा उसको हम कहेंगे ED50. और यही आपके प्रॉफ में डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है जब आपको EC50 और ED50 को डिफ्रेंशिएट या कंपेयर करने के लिए कहा जाता है. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि EC50 जो है वो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व से आ रही है और ED50 जो है वो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से आ रही है. और आपने ED50 में बताना है द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, और EC50 में आपने कहना है द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन 50% ऑफ द मैक्सिमल इफेक्ट. मतलब वहां पे इन की बात नहीं हो रही होगी. ठीक हो गया? एंड देन जब हम यहाँ पर ED50 लेंगे तो फिर साथ ही हम TD50, LD50, यानी हम टॉक्सिसिटी भी देख लेंगे, और फिर हम उसकी मीडियन एफिकेसी और मीडियन टॉक्सिसिटी के दरमियान जो रेंज होगी उसके लिए हमारे क्या क्लिनिकल टर्म होती है? जी, व्हाट इज द क्लिनिकल टर्म? थेरेप्यूटिक विंडो. बेटा जब रेंज का वर्ड यूज होगा तो थेरेप्यूटिक विंडो, जब सिंपली हम रिलेशनशिप का वर्ड यूज करेंगे तो वो जो रेशो का वर्ड यूज होता है दैट इज योर थेरेप्यूटिक इंडेक्स. एक दूसरे से बहुत सिमिलर है, लेकिन थेरेप्यूटिक इंडेक्स में आप TD50 को या LD50 को ED50 से डिवाइड करते हो, उसकी रेशो लेते हो. लेकिन थेरेप्यूटिक विंडो में हम उस रेंज की बात करते हैं जो हमारी सेफ्टी रेंज होती है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिफ्लेक्ट करती है. थेरेप्यूटिक विंडो पे भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन इफेक्टिव डोज यानी ED50 और मीडियन लीथल डोज या मीडियन टॉक्सिक डोज यानी TD50 के दरमियान जो रेंज है उसको हम कहेंगे थेरेप्यूटिक विंडो. और इस विंडो, जितनी बड़ी विंडो उतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा, जितनी छोटी विंडो उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम. ये सब बातें ऑलरेडी हमें पता होनी चाहिए. एफिकेसी, अगेन आपको बताया है कि एफिकेसी का आइडिया इससे भी हमें हो जाता है, दोनों कर्व से हमें एफिकेसी और पोटेंसी का आइडिया मिल जाता है. द वैल्यूज मे नॉट बी द सेम ग्रेडेड में EC50 के नाम से और आपके जो दूसरे वाला है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व उसमें ED50 के नाम से. एंड नाउ द कंपेरिजन ऑफ ग्रेडेड एंड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व. अगर आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट ग्रेडेड एंड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व पे क्वेश्चन आएगा तो ये चार पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे आपने वो कंपैरिजन करना है. हम जब आपकी की बनाते हैं तो इन बेसिस के ऊपर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं. सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि आप सबसे पहले पॉइंट में दोनों कर्व्स को डिफाइन करोगे.
यानी पहले पॉइंट में आप ये बात मेंशन करोगे कि पहला वाला जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड रिस्पॉन्स है, और दूसरा वाला जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड पॉपुलेशन शोइंग द रिस्पॉन्स है. देन आ जाएगा आपका टाइप ऑफ रिलेशनशिप. ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व में कौन सी टाइप ऑफ रिलेशनशिप है? क्वांटिटेटिव. और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स के अंदर क्वालिटेटिव. इसको आप ऑल और नन प्रिंसिपल भी लिख सकते हो. एंड देन कम्स द पॉइंट शेप ऑफ कर्व. ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व की क्या शेप है? हाइपरबोला. और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व की शेप को हम क्या कहते हैं? बेल शेप्ड कर्व. उसका क्लिनिकल नेम क्या है? साइंटिफिक नेम गॉसियन कर्व. एक्सेलेंट, ये सारे नाम आपको आ गए. एक छोटी सी बात आ गई. हाँ जी, सिग्मॉइड लिखा है एक बच्ची ने, यही मैं डिस्कस करने लगी थी. ये सिग्मॉइड क्या होता है? आपने सिग्मॉइड और लिखा है, क्या ये एक ही कर्व के दो नाम है? कोई और भी आंसर कर सकता है इस क्वेश्चन को, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट. नहीं बेटा, ये एक ही शेप के दो नाम नहीं है. सिग्मॉइड और तरह से होता है और हाइपरबोला और तरह से होता है. बात उस बच्ची की बिल्कुल ठीक है. नहीं, सिग्मॉइड और बेल शेप्ड का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है आपस में. ओके, एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज सिग्मॉइड? यू आर राइट, लॉग इज इन्वॉल्व इन सिग्मॉइड. जब हम सिंपल प्लॉटिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको दोनों कर्व्स बताए हैं, तो उस कर्व के अंदर जो है वो हाइपरबोला शेप आ रही होती है और इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ बेल शेप आ रही होती है, क्योंकि नेचुरली हम अज्यूम करेंगे कि जब डोज कम है तब कम पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड करेगी, दरमियान की डोज में जाके मैक्सिमल पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड करेगी, और जैसे जैसे डोज मजीद बढ़ेगी रिस्पॉन्स जो है वो अल्टीमेटली कम होता जाएगा. तो बेसिकली जो है आपने वो चीज जो है उसमें बेल शेप कह दिया. लेकिन जब हम यही कर्व्स जो है इनकी जो डेटा है हमारा उसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हाइपरबोला शेप जो है वो सिग्मॉइड में कन्वर्ट हो जाती है. सिग्मॉइड सॉर्ट ऑफ एस शेप होता है, और हाइपरबोला में तो सिंपली जैसे मैंने आपको शुरू में ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व दिखाया था, दिस वन. लुक एट दिस कर्व, दिस इज कॉल्ड अ हाइपरबोला. नीचे से सीधा जा रहा है, ऊपर जाके ऐसे फ्लैटन अप हो जाएगा. और अगर मैं इसको यहाँ पर प्रॉपर एस शेप में लेके आती तो दैट वुड हैव बीन अ सिग्मॉइड कर्व. और सिग्मॉइड कर्व कब होता? जब हमारी ड्रग कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जो है वो लॉग स्केल में आ जाती. फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवास के अंदर कि हम इन ग्राफ्स को लॉग स्केल में क्यों कन्वर्ट करते हैं. एनीबडी? इतनी अच्छी भली इंफॉर्मेशन हमें इस ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व से मिल रही थी जो हाइपरबोला शेप में आ रहे हैं, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा इनटू लॉग स्केल? ये प्रैक्टिकल में आप लोग करते हो, सेमी लॉग भी जिसको हम कहते हैं, क्यों करते हैं? इजियर टू रीड. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. हाउ इजियर टू रीड? वैल्यूज आर श्रिंक्ड. एग्जैक्टली. तो हम कहते हैं कि हम इसी डेटा को, क्योंकि इस तरह जब आप चले जाओगे तो ये देखो ये कट लगा के उन्होंने बताया है कि ये ग्राफ बहुत आगे तक जाता है. जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है कि एक तो आपका ग्राफ श्रिंक हो जाता है, मैक्सिमम जो ग्राफ की वैल्यूज हैं वो मिनिमम एरिया पे आ जाती है. दूसरा, अगर आप ये हाइपरबोला को स्टडी करो तो आप देखोगे कि इसका कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हो, जहां पे आप अपनी ड्रग के कंपैरिजन को प्रॉपरली स्टडी कर सको. जब आप सिग्मॉइड कर्व बनाते हो तो उसमें आप देखते हो कि जो मिडिल पोर्शन ऑफ द ग्राफ होता है वो बिल्कुल लीनियर हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है. तो वहां से कंपैरेटिव एनालिसिस भी हमारे लिए करेक्ट हो जाता है, और उस सेंट्रल पोर्शन से हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो हम यही कहते हैं कि ये ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व को हम सेमी लॉग में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि एक तो ग्राफ श्रिंक हो जाए, और दूसरा ये कि मिनिमम पोर्शन ऑफ द ग्राफ गिव्स अस मैक्सिमल इंफॉर्मेशन, और थर्डली हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्राफ का पार्ट होता है उसका सेंट्रल पोर्शन लीनियर हो जाता है, जिसको रीड करना या कंपेयर करना हमारे लिए इजी हो जाता है. इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेशन गेन्ड. व्हाट इंफॉर्मेशन इज गेन्ड फ्रॉम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व? सिंपली हम कहते हैं पोटेंसी एंड एफिकेसी. एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज गेन्ड फ्रॉम क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व? क्वांटल की बताइए.
जी, फ्रंटल डोज रिस्पॉन्स कर्व की इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है बेटा। इन दोनों में से पोटेंसी ओनली आप ठीक कह रही हो, मैक्सिमल एफिकेसी नहीं आती, लेकिन पोटेंसी के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। वेरिएबिलिटी हो गई, वेरी गुड। थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक विंडो, TD50, LD50, ये सब बातें आपने क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व की इंफॉर्मेशन में एड ऑन कर देनी है, ठीक है। ये एज इट इज आपको ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट क्विकली रन थ्रू द एमसीक्यूज, और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं थोड़ा सा आपको फिर स्पेयर रिसेप्टर्स के ऊपर बात करूंगी, ठीक है। दिस टू ड्रग्स एक्ट ऑन द सेम टिश्यू और ऑर्गन वाया एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स, रिजल्टिंग इन द इफेक्ट्स दैट आर क्वालिटेटिवली ऑपोजिट ऑफ वन अनदर। एन एग्जाम्पल वुड बी द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलीन। हाँ जी, आंसर आ भी गया है जी, कह सकते हैं, लेकिन अगर आप वेक्टर सिलेक्टिविटी टाइप का आंसर दोगे बच्चे तो फिर आपको अपने इस आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर टू कीप थिंग्स सिंपल और उसको पोटेंसी एफिकेसी तक ही रखो तो काफी है। ओके, YE, आई जस्ट हैड वन आंसर, बाकी लोग कहाँ हैं? 131 पार्टिसिपेंट्स, वेयर आर यू ऑल? आंसर तो आपने मुझे दे दिया है, अब मुझे इसको जस्टिफिकेशन दो। पूरे सिनेरियो के अंदर कौन सा ऐसा की वर्ड था विच लेड यू टू बिलीव दिस आंसर? हर दफा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि इसमें इन्होंने आपको नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलीन का नाम लिख दिया, तो आप एग्जाम्पल से भी गेस कर सकते हो कि हमने किस रिसेप्टर की बात की और किस टाइप ऑफ एंटेगनिज्म की बात की है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया था बच्चे कि हर साल प्रॉफ में टाइप्स ऑफ एंटेगनिज्म के ऊपर एक ना एक एमसीक्यू जरूर आता है, ठीक है। अब लास्ट ईयर हुआ क्या था कि उन्होंने जो एमसीक्यू आपको दिया था उसके एग्जाम्पल्स बहुत डिफिकल्ट थे। बच्चों का कहना था कि एमसीक्यू तो सिंपल था लेकिन नीचे जो एग्जाम्पल्स दी हुई थी वो हमें नहीं पता थी, तो यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन द नेम ऑफ ड्रग्स, आपने फिनोमिना के ऊपर फोकस करना है, ड्रग्स के ऊपर फोकस नहीं करना। यहाँ पर आपका की वर्ड है, नहीं बेटा ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो तो हर एंटेगनिज्म को शो करता है। एग्जैक्टली, बाइंडिंग विद डिफरेंट रिसेप्टर्स, जब एंटेगनिज्म हो रहा है लेकिन रिसेप्टर्स डिफरेंट हैं तो हम कहेंगे कि दिस इज द टॉक अबाउट फिजियोलॉजिकल एंटेगनिज्म, चाहे एग्जाम्पल फिर कोई भी हो। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, Which of the following terms best describes an antagonist that interacts directly with the agonist and does not at all or only incidentally involve any receptor? G. I'll need a reason for your answer. Keyword. एमसीक्यू डिस्कस करने का पर्पज ये होता है कि हमें पता चले कि आप उसने आंसर तक पहुंचे कैसे। एग्जैक्टली, यहां पर कीवर्ड है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसेप्टर। जब आपके एंटेगनिज्म का फिनोमेना हो रहा है लेकिन कोई रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं है बल्कि ड्रग डायरेक्टली एक दूसरे से एक्ट कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ केमिकल एंटेगनिज्म। और केमिकल एंटेगनिज्म की एग्जांपल दे दें यहाँ पर, एक थोड़ी रिविजन हो जाएगी केमिकल एंटेगनिज्म की भी। गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एंटेगनिज्म। हेपरिन एंड प्रोटामिन सल्फेट, फाइन। और कोई एग्जांपल हेपरिन प्रोटामिन के अलावा? एंटीसिड्स की एग्जांपल, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये दो एग्जांपल्स अगर आपको आ गई हैं तो बस फिर हमें कोई और परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बिल्कुल, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स भी इसकी एग्जांपल हो सकती है।
Okay, next question. Two drugs act on the same tissue. Okay, ये तो पहले हमारे पास हो चुका है. Sorry, we already did that. Now this one. Most drug receptors are. Most drug receptors are what? Yes, you're all correct. Proteins located on cell membranes or in the cytosol. आपने हमेशा ये बात याद रखनी है जब आपको रिसेप्टर डिफाइन करने के लिए भी कहा जाए तो आपने हमेशा कहना है रिसेप्टर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर मोस्टली प्रोटीन इन नेचर क्योंकि मोस्टली ये ऑलमोस्ट 99% टाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं तो इसलिए आपको जहां पे भी प्रोटीन लिखा हुआ सुनाई दिया है पहले वाला आंसर भी ठीक हो सकता था लेकिन अगर उसकी कोई स्पेसिफिक टाइप बताई होती तो प्रोटीन्स का वर्ड से वो ज्यादा स्पेसिफाई हो गया तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट करना पसंद करेंगे अगर ऑप्शन सी हमारे पास प्रेजेंट ना होती तो फिर हम ऑप्शन ए को कंसिडर करते उसमें फिर आपको साइज वेरिएशन में जाना पड़ता है कि एग्जैक्टली उसका साइज क्या होता है और क्या नहीं होता तो ये सिंपल क्वेश्चन इसके पीछे कोई भी सिनेरियो लगाया हुआ हो सकता है बट फोकस आपका इसके ऊपर होना चाहिए एंड नाउ दिस वन दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन द डेटा प्रेजेंटेड इन द फिगर बिलो शोज व्हाट डेटा आपको दिखाया हुआ है ड्रग ए ड्रग बी और ड्रग सी के ग्राफ्स हैं और आपके पास ऑप्शंस हैं आपने बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है उसको ये ग्राफ जस्टिफाई कर रहा है टेक योर टाइम रीड द ऑप्शंस एंड देन आंसर मी Okay, I was expecting. Anybody else? Oh, wow, new name. इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए बहुत जरूरी है यू माइट नॉट गेट अ ग्राफ क्वेश्चन इन पेपर लेकिन वैसे वंस इन अ वाइल आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस लेकिन एटलीस्ट आपको पूरा जो फिनोमेना हमने पढ़ाया है अभी तक उसको क्लियर करने के लिए काफी है आई विल बी नीडिंग सम मोर आंसर्स उसके बाद फिर मैं इसका करेक्ट आंसर रिवील करूंगी यू ऑल हैव टू जस्टिफाई योर आंसर एज वेल तो सिर्फ एक दूसरे की देखा देखी आंसर नहीं लिखने Any more participation? Okay, so now you have correct orientation. लेकिन इतनी देर में अगर आपने अपना आंसर मार्क कर दिया होता तो it would have been wrong. अच्छा जी अब उन्होंने कहा कि ड्रग ए और सी की इक्वल एफिकेसी है बिल्कुल नहीं है एफिकेसी का मतलब था कहां से पता चलती है एफिकेसी टॉप ऑफ ग्राफ से सी का तो टॉप बहुत नीचे है ए का ग्राफ का टॉप बहुत ऊपर है This is absolutely incorrect. Option A chali gayi bahar. Drug A is more potent than drug B. And maine kaha tha ki potency ke liye aapne 50% wale mark ko dekhna hai. This is your 50% wala mark. Ye aapki A hai aur ye B hai. Ab aap dekhoge, sorry, ye jo aapki drug A hai, uska 50% wala point kam dose pe aa raha hai aur drug B ka 50% wala point zyada dose pe aa raha hai. Aur maine abhi aapko thodi der pehle bataya hai. कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ई सी 50 लेस विल बी द पोटेंसी ड्रग बी के अंदर क्योंकि 50% वाला पॉइंट हायर डोज पे आ रहा है इसका मतलब है उसकी पोटेंसी कम है और ड्रग ए की पोटेंसी ज्यादा है तो यहीं पर आपको आपका करेक्ट आंसर मिल गया द ड्रग ए इज मोर पोटेंट देन ड्रग बी बट वी स्टिल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस ड्रग बी इज अ पार्शियल एगनिस्ट अब पार्शियल एगनिस्ट में क्या फीचर होता है स्पेसिफिक जी बताइए पार्शियल एगनिस्ट में ऐसा कौन सा स्पेसिफिक फीचर होता है जो आपको ग्राफ देखते ही पता चल जाए कि ये ड्रग पार्शियल एगनिस्ट है फॉर दैट यू विल हैव टू एग्जैक्टली द मैक्सिमल एफिकेसी विल बी लेसर सब मैक्सिमल एफिकेसी अब बी तो बिल्कुल टॉप तक पहुंची हुई है इसका मतलब है कि उसकी तो मैक्सिमल एफिकेसी है तो पार्शियल एगनिस्ट का बी होने से तो कोई ताल्लुक नहीं है तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट
उसके बाद आ गया द ड्रग ए एंड बी हैव सेम एफिनिटी एंड एफिकेसी. अब आप देखो कि ए और बी की मैक्सिमल एफिकेसी तो सेम है, लेकिन हम एफिनिटी को तो इस ग्राफ से जज ही नहीं कर सकते. मैंने आपको जब भी ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व पढ़ाया तो कहीं पे भी हमने ये बात पढ़ी कि दोनों की एफिनिटी को भी हम इस कर्व से जज कर सकते हैं. एंड सेकेंडली, अगर इन दोनों ड्रग्स की एफिनिटी सेम होती देन दे बोथ ऑफ द ड्रग्स वुड हैव द सेम ग्राफ. अगर दोनों के ग्राफ की प्लेसमेंट में फर्क है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जैसे इनकी पोटेंसी में डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं इनकी एफिनिटी में भी डिफरेंस हो सकता है. प्लस सिंपल आंसर इज कि एफिनिटी का तो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व से कोई ताल्लुक ही नहीं था. रिलेटिव एफिनिटी का आइडिया होता है अगर हम बी मैक्स वाला कर्व बनाते. हमने यहाँ बी मैक्स वाला कर्व नहीं बनाया. और अगर हम अज्यूम करें कि हमने इसी ग्राफ को बी मैक्स वाले कर्व पे रिफ्लेक्ट कर दिया है तो आप खुद देखोगे कि पोटेंसी जो है वो ज्यादा शो कर रही होती है आपकी रिलेटिव रिसेप्टर एफिनिटी को. ठीक है, तो इसलिए ये एफिनिटी का वर्ड बिल्कुल गलत है. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी. डी से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी. पार्शियल एगोनिस्ट वंस अगेन वही बात हो गई कि ई ऑप्शन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके अंदर. तो इसी तरह के आपको वेरिएबल ग्राफ्स दिए जा सकते हैं और उससे रिलेटिव आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लेन करनी होगी कि ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है. अच्छा मुझे ये बताओ कि ड्रग सी जो है क्या हो सकती है. जी बताइए. इसी ग्राफ से हम थोड़ा सा और स्टडी भी कर सकते हैं. पार्शियल एगोनिस्ट हो सकती थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट की मजे की बात यह है कि उसकी एफिनिटी तो उतनी होनी चाहिए जितनी फुल एगोनिस्ट की होती है. ये ग्राफ बहुत ज्यादा राइट पे चला गया. अब ये ड्रग का वर्ड भूल जाओ और इमेजिन करो कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव एंटेगनिज्म को. समझो कि जब ड्रग पहला वाला ग्राफ है जो ड्रग ए में शो हो रहा है, ये आपका सिंपल डोज रिस्पॉन्स कर्व है. ठीक है, अगर हमने इस ड्रग के साथ इसका कॉम्पिटेटिव एंटेगनिस्ट दे दिया यानी रिवर्सिबल एंटेगनिस्ट दे दिया, तो अब क्या होगा. जब आपका रिवर्सिबल एंटेगनिस्ट ऑलरेडी दिया होगा तो एगोनिस्ट का क्या, हम रिवर्सिबल एंटेगनिज्म में क्या डेफिनेशन में बात करते हैं कि जब आप एगोनिस्ट की डोज बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली आप उस एंटेगनिज्म को रिवर्स कर लोगे, कंप्लीटली रिवर्स कर लोगे, यानी मैक्सिमल एफिकेसी आपको वापस मिल जाएगी लेकिन एट अ हायर डोज. तो आप ये अज्यूम करो कि जब आपने रिवर्सिबल एंटेगनिस्ट की प्रेजेंस में अपना वही एगोनिस्ट यूज किया तो आपका ग्राफ शेप तो वही रही, मैक्सिमल एफिकेसी भी अचीव हुई, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, विच मीन्स कि वही सारा रिस्पॉन्स हमें मिल गया जो पहले ग्राफ में मिला था बट विद अ रिलेटिवली हायर डोज. तो इंक्रीजिंग द डोज ऑफ योर एगोनिस्ट इज गोइंग टू रिवर्स दैट टाइप ऑफ एंटेगनिज्म. ठीक है, और सिमिलरली जो तीसरा ग्राफ इसमें शो हो रहा है ये रिफ्लेक्ट करता है इरिवर्सिबल एंटेगनिज्म को. अगर आपने पहले इरिवर्सिबल एंटेगनिस्ट दे दिया और उसके बाद दोबारा एगोनिस्ट दिया तो आप जितनी मर्जी एगोनिस्ट को बढ़ा दें रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत तो आएगा. ये रिस्पॉन्स किस वजह से आ रहा है जो थोड़ा बहुत आ रहा है. जी बताएं. इरिवर्सिबल एंटेगनिस्ट दिया हुआ है इसका मतलब है कि रिसेप्टर्स को हमने इरिवर्सिबली बाइंड कर दिया, फिर भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स आ गया. ये वाला रिस्पॉन्स किस वजह से आता है बेटा. एगोनिस्ट की वजह से, स्पेयर रिसेप्टर्स की वजह से. एक्सेलेंट, कम बोलते हैं मगर सही बोलते हैं. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. रिस्पॉन्स आ तो एगोनिस्ट कर रहा है लेकिन अगर आपके रिसेप्टर जो हैं वो इरिवर्सिबली हमने उनको बाइंड कर लिया हुआ है, इरिवर्सिबली ब्लॉक किया हुआ है, तो असूलन तो एगोनिस्ट को रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए. फिर भी अगर माइनर सा रिस्पॉन्स आपका एगोनिस्ट शो कर रहा है एज इन द केस ऑफ ड्रग सी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई थोड़े बहुत स्पेयर रिसेप्टर्स पड़े हुए. बट देन अगेन आपने देखा कि ये रिस्पॉन्स आया है एट अ वेरी हाई डोज और सेकेंडली इरिवर्सिबल एंटेगनिस्ट की प्रेजेंस में आपको मैक्सिमल एफिकेसी अचीव नहीं होगी, आप कभी भी पुराने वाले इफेक्ट तक नहीं पहुंच सकोगे. तो हम कह सकते हैं कि ड्रग ए एक नॉर्मल डोज रिस्पॉन्स कर्व है, ड्रग बी वाला जो कर्व है दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्सिबल एंटेगनिस्ट, और ये जो तीसरा वाला कर्व है दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ इरिवर्सिबल एंटेगनिस्ट. तो हमने इसी तरह के ग्राफ से अगर आपको वही सारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एंटेगनिज्म का फिनोमेना भी एक्सप्लेन कर दिया है. विद दिस आखिरी क्वेश्चन हम कर लें फिर मैं आपको स्पेयर रिसेप्टर्स पे वापस ले जाती हूँ. ठीक है, दिस क्वेश्चन ओके जी, रीड इट आउट.
Graded and quantile dose response curves are used for drug evaluation in the animal lab and in the clinic. Which of the following statements best describes quantile dose response curve? G. Answer. Where is everyone else? Then I'm going to tell you the correct answer. Come on, people, focus. Okay, I was waiting for Anika's answer. Anika bhi kafi der ke baad boli. अभी तक पहले कोई पार्टिसिपेशन नहीं आई थी नाइजा. वेयर वर यू? ओके, इट्स ऑल राइट. ठीक है ठीक है, आप सुन रही थी, बट मुझे आदत है आपके रिस्पांस की भी. योर नेम्स डू नॉट गो अननोटिस्ड. जो बच्चे क्लास को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो पता चल रहा होता है. एंड वी पीपल डू कंपेयर नोट्स एज वेल विद ईच अदर कि कौन से लेक्चर में या कौन से टीचर के लेक्चर में कौन से रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो हैं वो हाजिर होते हैं. ओके जी, तो क्यूरियोसिटी ओवर. द करेक्ट आंसर इज ई. नाउ फॉर ऑल द पीपल हु वर सेइंग डी, वी आर गोइंग टू रीड द ऑप्शंस एंड वी आर गोइंग टू एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू रिमूव योर कंफ्यूजन. ओके जी, मोर प्रिसाइजली क्वांटिटेटेड दैन द ऑर्डिनरी ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व. अब हमारे वो शहजादे बच्चे जो सिर्फ रट्टा लगा के आखिर दिन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वो जल्दी में पढ़ेंगे और ये क्वांटिटेटेड के वर्क के ऊपर फोकस नहीं करेंगे. क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व में क्वालिटेटिव रिलेशनशिप था, तो पहला ऑप्शन तो एब्सोल्युटली गलत हो गया. ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ इंटैक्ट सब्जेक्ट्स बट नॉट फ्रॉम आइसोलेटेड टिश्यू प्रेपरेशन. ऐसा तो कोई चक्कर ही नहीं है. हमारा दिल चाहे तो हम इंटैक्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर उसका इफेक्ट देख लें, हमारा दिल चाहे तो हम डिफरेंट टिश्यूज के ऊपर उसका इफेक्ट देख लें. नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा होने चाहिए, ड्रग एक होनी चाहिए, इससे ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज रॉन्ग एज वेल. यूज टू डिटरमिन द मैक्सिमल एफिकेसी ऑफ ड्रग. वी जस्ट डिटरमिन्ड कि क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व का मैक्सिमल एफिकेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. पोटेंसी का आइडिया होता है, ये तो ऑल और नन प्रिंसिपल है, ये तो क्वालिटेटिव प्रिंसिपल है, इसमें मैक्सिमल एफिकेसी का कोई ताल्लुक नहीं है. क्वेश्चन डी, यूज टू डिटरमिन द स्टैटिस्टिकल वेरिएशन द स्टैंडर्ड वेरिएशन. यहां तक बड़ा अच्छा लग रहा है. आगे, ऑफ द मैक्सिमल रिस्पॉन्स टू द ड्रग. अब यहां फिर हमने मैक्सिमल रिस्पॉन्स का वर्ड डाल दिया. ठीक है, मैक्सिमल रिस्पॉन्स वी डोंट नो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है या मैक्सिमल एफिकेसी की बात हो रही है. और अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखो, Which of the following statement best describes? अगर हमारे पास ऑप्शन ई देखो, used to determine therapeutic index, हमने अभी पढ़ा कि quantile dose response curve से therapeutic index मिलती है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया. अगर हमारे पास ऑप्शन ई ना होती, ई इज द करेक्ट आंसर. बट देन अगेन एंड सम क्वेश्चंस देयर आर मोर देन वन करेक्ट आंसर्स, और हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है. अगर हमारे पास ऑप्शन ई मौजूद ना होती तो उस सिनेरियो में हम ऑप्शन डी के ऊपर फोकस कर सकते थे. बट सिंस ऑप्शन डी में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, विच मैक्सिमल रिस्पॉन्स, हमने कहीं पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं की थी. यस, यू आर राइट, हम कर सकते हैं उससे स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट गॉसियन कर्व से, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमल रिस्पॉन्स वाले वर्ड से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है. तो वी हैव अ बेटर सूटेड आंसर इन द फॉर्म ऑफ ई, और हमारे क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ था बेस्ट डिस्क्राइब. तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि एट टाइम्स देयर आर मोर देन वन सूटेड आंसर्स, जिसमें से हमने बेस्टेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है. ठीक हो गया? अ पार्शियल एगनिस्ट कैन एंटेगनाइज द इफेक्ट्स ऑफ अ फुल एगनिस्ट बिकॉज, क्विकली
जी ओके सो एवरीबडी नोज इट्स ए, यू आर ऑल एब्सोल्युटली करेक्ट. अफिनिटी ज्यादा, एक्टिविटी कम. नीचे लिखा हुआ है हाई एफिनिटी नो एक्टिविटी, वो तो एंटेगनिस्ट होता है. नो एफिनिटी लो एक्टिविटी, नो एफिनिटी होती तो फिर तो कोई ताल्लुक ही नहीं था ना उसका, यहाँ एगनिस्ट का वर्ड ही नहीं आ सकता, बल्कि एंटेगनिस्ट का भी नहीं आ सकता. इसलिए बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड यू आर ऑल राइट. अब ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पस क्या है कि बेटा यू हैव अराउंड 7 to 10 एमसीक्यूज फ्रॉम जनरल फार्माकोलॉजी. होता ये है कि टॉस में जो भी लिखा हुआ हो, हर टीचर टॉस फॉलो नहीं करता पेपर बनाते हुए. एंड आई हैव सीन इन द पास्ट कि जनरल फार्माकोलॉजी से काफी मेजर बल्क आता है एमसीक्यूज का. इवन अगर हम आपको रिफैम्पिन की एग्जांपल दें, जैसे मैंने कीमो में पढ़ाई थी एंजाइम इंडक्शन वाला एमसीक्यू, तो हम उसको दोनों में डाल सकते हैं. हम उसको कीमो का भी समझ सकते हैं, हम उसको जनरल फार्माकोलॉजी का भी समझ सकते हैं. तो इस तरह की एम्बिगुअस, क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी में सिमिलरली अगर आपको एंटासिड्स पे क्वेश्चन आ जाए तो आपका टीचर बड़े आराम से जस्टिफाई करेगा, जी मैंने तो जीआईटी से क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो यहाँ पे आपको केमिकल एंटेगनिज्म का फिनोमेना चेक कर रहा होगा. अगर हेपरिन प्रोटामिन का क्वेश्चन आ जाए तो टीचर कहेगा जी मैं तो ब्लड में से क्वेश्चन दिया है, लेकिन जनरल फार्माकोलॉजी का फिनोमेना टेस्ट हो रहा होगा. तो आपकी जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. ये आपके बाकी यूनिट्स के क्वेश्चंस को भी आंसर करने में आपकी हेल्प करती है. पिछले पेपर में जो एमसीक्यूज में डिफिकल्टी हुई थी, उसमें हो क्या रहा था कि जो ड्रग्स के नाम यूज हुए हुए थे वो बहुत रेयर वाले थे. फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने एंजाइम इनहिबिशन भी पूछनी थी तो वो बहुत एक रेयर ड्रग और उसका ड्रग इंटरेक्शन पूछ रहे होंगे. अब बच्चे क्या करते हैं, वो ड्रग का नाम पढ़ते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं हमने तो ये ड्रग कभी पढ़ी नहीं, ये तो किसी पता नहीं किस टॉपिक की ड्रग है. जिस बात पे वो फोकस नहीं कर रहे होते कि ड्रग के नाम पे ही हमेशा क्वेश्चन नहीं होता, हम ड्रग के नाम के साथ कोई फिनोमेना डिस्कस कर रहे होते हैं. तो अगर आपका जनरल फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो नो मैटर व्हाट द ड्रग इज, आप उस फिनोमेना की हेल्प से अपने एमसीक्यू को करेक्टली अप्रोच कर सकते हो. और फार्माकोडायनामिक्स में क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वो इसी पोर्शन में से आते हैं. रिसेप्टर वाला पोर्शन जो है वो एससीक्यू के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, और ये वाला जो पोर्शन है या तो ये डेफिनेशन में आपके काम आता है, या फिर डेफिनेशन के अलावा हम कहते हैं कि ये वाला पोर्शन आपके काम आ सकता है फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज. तो आपको ये वाले एमसीक्यूज जो हैं, इस तरह के या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं, तो प्रायर टू फोकस ऑन दीज कॉन्सेप्ट ये रट्टे से नहीं होंगे. एंड वी हैव जस्ट ऑब्जर्व कि एमसीक्यू में माइनर सा डिफरेंस आता है तो आपके पूरे क्वेश्चन की फॉर्म बदल जाती है. इसलिए क्वेश्चन को याद करने की बजाय उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करो. यही वही एगनिस्ट अलोन और एगनिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इरिवर्सिबल एंटेगनिस्ट, तो आप देखो कि कितना सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स आ रहा है. ये बात मैं आपको एमसीक्यू में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सिमिलरली एगनिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिवर्सिबल एंटेगनिस्ट, तो ये देखो ये बेसिकली सिग्मोइड कर्व नहीं एक्सप्लेन हुए, यहाँ पर उन्होंने आपको हाइपरबोला कर्व के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है. बट फिनोमेना वही है कि आपको पता होना चाहिए ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो सिंपली तो हम कहेंगे कि ये कॉम्पिटेटिव एंटेगनिज्म की बात हो रही है, और अगर ग्राफ राइट की तरफ भी शिफ्ट हो और डाउनवर्ड भी शिफ्ट हो तो हम कहेंगे कि ये irreversible non-competitive antagonist की बात हो रही है. Since my topic of discussion was just the graphs today, इसलिए मैंने MCQ की help से आपको ये सारे phenomena जो हैं वो correctly explain कर दिए. Any question? इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी किस्म की ambiguity हो, आप future lectures में पूछ सकते हो. हम इसी तरह आप जल्दी quick revisions लेके चलेंगे. आपकी general pharma को मैडम ने minimum time दिया था, next week से हम ANS की discussion करेंगे, और ANS को हमने ऑलमोस्ट पर चैप्टर 1 लेक्चर रखा हुआ है. यानी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स का एक टॉपिक होगा, पैरासिम्पैथोलिटिक्स का एक लेक्चर होगा, सिमिलरली सिम्पैथोमाइमेटिक्स का एक लेक्चर होगा, सिम्पैथोलिटिक्स का एक लेक्चर होगा. तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड पहले पढ़ के आ सकते हो. अगर आपने पढ़ना नहीं है तो पढ़ने के पढ़े बगैर आप उसमें से अपने क्वेश्चन लेके आ सकते हो. बेटा टॉलरेंस और टैकीफाइलेक्सिस के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उसमें आपने जो बात याद रखनी होती है कि टॉलरेंस जो है वो स्लोली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज होती है. यानी इनिशियली ड्रग काम अच्छा कर रही है, अगर आप बहुत अरसे तक वो ड्रग यूज करोगे और उसका रिस्पॉन्स कम होना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे कि टॉलरेंस डेवलप हो रही है. टैकीफाइलेक्सिस विद इन डेज विद इन आवर्स डेवलप करती है, ठीक है, ये एक रिलेटिव डिफरेंस है. दूसरा डिफरेंस ये है कि टॉलरेंस कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ ड्रग. अगर हम ड्रग की डोज बढ़ा दें तो हम वापस अपना ओरिजिनल इफेक्ट अचीव कर सकते हैं. बट टैकीफाइलेक्सिस में वो कहते हैं कि क्योंकि
आपके न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं. तो नो मैटर हाउ मच यू इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग, यू कैन नॉट अचीव द प्रीवियसली अचीव्ड रिस्पॉन्स. तो टैकीफाइलेक्सिस को ओवरकम करना डिफिकल्ट होता है, टॉलरेंस को ओवरकम करना ईजी होता है. बट देन अगेन ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं जो पुराने टीचर्स पूछते हैं. रीसेंट बुक्स में आप देखोगे कि टॉलरेंस और टैकीफाइलेक्सिस के फिनोमेनास को उन्होंने आपस में मिक्सअप कर दिया और वो अज्यूम करते हैं कि दोनों के बेसलाइन मैकेनिज्म्स भी एक दूसरे से सिमिलर हैं और एक ही ड्रग टॉलरेंस भी शो कर सकती है, टैकीफाइलेक्सिस भी शो कर सकती है. तो अगर आपको कोई मॉडर्न एग्जामिनर आता है जो मॉडर्न बुक्स को फॉलो कर रहा है तो वो टॉलरेंस टैकीफाइलेक्सिस के डिफरेंसेस नहीं पूछेगा. बट सिंस अभी भी हमारे बहुत से पुराने टीचर्स जो हैं वो सर्कल में मौजूद हैं तो वो टॉलरेंस टैकीफाइलेक्सिस के डिफरेंसेस पूछते हैं और वो जो डिफरेंस सुनना चाह रहे होते हैं वो यही होता है जो मैंने आपको बताया है कि टॉलरेंस जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम में डेवलप होती है, टैकीफाइलेक्सिस जल्दी हो जाता है. अब देखा जाए तो ये कोई डिफरेंस नहीं है. और दूसरा डिफरेंस वो सुनना चाहते हैं कि टॉलरेंस कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ ड्रग, whereas tachyphylaxis cannot be overcome. Fine? लेकिन अब बुक्स में ये दोनों चीजें आप देख रहे होंगे. opioids में भी दोनों का नाम इकट्ठा आया हुआ है, nitrates के अंदर भी tolerance tachyphylaxis का नाम इकट्ठा आया हुआ है. तो अब इस तरह के questions आपको नहीं आते. ज्यादा question आता है कि इसका underlying mechanism क्या है, तो आप mechanisms पे focus करना शुरू करें. ठीक है जी. Okay, any other question? If none, then thank you very much for today. Bring your questions for your revision lectures in the coming week so that we can discuss your queries. कि आपको ANS में क्या क्या मसाइल आ चुके हैं. ठीक है. Past test में से question लेके आ सकते हो, books में से questions लेके आ सकते हो. I'll be discussing atropine and parasympatholytics with you people. बाकी फिर उसी तरह divide होगा जैसे originally हुआ था. Thank you very much.